आपका हमारी नई वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने वाले जियो फोर प्लस में गलत रिचार्ज वापस कैसे करें। आपको जाना है एमआई जैन रिपोर्ट में, उसके बाद आपको जाना है स्टोर सेल्स में। उसको क्लिक करने के बाद आपको स्टोर सेल्स पर क्लिक करना है। स्टोर सेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। उस पर क्लिक करने के बाद आपको टैप टू सिलेक्ट डेट करनी है। उसमें डेट चेक डालनी है, जो भी आपने रिचार्ज किया है उसको ही डेट डालनी है आपको। डेट डालने के बाद आपको जनरेट पर ओके कर देना है। जनरेट पर ओके करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है वो हम आगे बताने वाले हैं आपको। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट वीडियो जनरेट करने वाला आपको ऑल ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है। ऑल ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैश मेमो से आया है, उस पर क्लिक करना है आपको। कैश मेमो पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। इस पर क्लिक करना है आपको कैश मेमो पर। क्लिक करने के बाद आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ईजे टिकट ऐसा इंटरफेस आपको आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट देखिए, वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। सिंपली आपको यहाँ देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें से आपको एक नंबर लिखना है, वो आपको बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा कैश मेमो से आ गया है। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक नंबर लिखना है, ORN नंबर। उसे आपको लिखने के बाद फिर से वापस जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर के नीचे आ रहा है ORN नंबर VR003H ऐसे करके आ रहा है कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप नंबर आ रहा है ORN नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहा है। तो उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो सिंपली आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपका कोई सा भी गलत रिचार्ज होता है, अमाउंट गलत होता है, नंबर गलत होता है, तो सिंपली आपको करना क्या है बस शर्त एक कि OTP आपके इस नंबर पर गया उस पर जाइए, वो OTP आपको डालना है यहाँ पर, तभी आपका रिचार्ज रिवर्सल हो सकता है। तो सिंपली इसके लिए आपको करना है फिर से वापस जाना है आपको। वापस जाने के बाद 3 लाइन पर क्लिक करना है, फिर से आपको आना है जियो अदर सेल्स पर। फिर से आपको वापस आना है जियो अदर सेल्स पर। ओके करने के बाद आपको जाना है रिचार्ज रिवर्सल में। रिचार्ज रिवर्सल में जाने के बाद सिंपली आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर ऑर्डर रेफरेंस नंबर आप ब्रैकेट में आ रहा है ORN नंबर, तो वही ORN नंबर जो आपने लिखा था वही यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद जो करना है वो आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके वीडियो बहुत यूजफुल है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें। तो आपको देखना क्या है यहाँ पर, अब हम नंबर डाल देते हैं ORN नंबर। ORN नंबर डालने के बाद जो करना है वो आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपको बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप एक जियो रिटेलर हैं या जियो का कोई भी रिचार्ज करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर कस्टमर मोबाइल नंबर, तो वही नंबर डालना है। इस पर आपका गलत रिचार्ज हो गया वो उसी नंबर डालना है। यहाँ पर नंबर डालने के बाद सिंपली आपको करना क्या है,
वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर भी पड़ गया, दोनों काम हो गए हैं। तो इंटर कस्टमर आईडी आ रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं जाना है, फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको बताने वाले करना क्या है। सिंपली आप अब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख। यहाँ पर आप देखते हैं एसआर नंबर वन, ऑर्डर नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर, अमाउंट। तो आपको यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन सेलेक्ट में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रीजन में आप इनकरेक्ट मोबाइल नंबर या कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जहाँ तक है इनकरेक्ट ही सिलेक्ट करें तो आपके लिए बेटर होगा। तो रीजन में आप इनकरेक्ट सिलेक्ट कर देंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर मैं इनकरेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनकरेक्ट सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख के आ गया इनकरेक्ट सिलेक्ट करने के बाद सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको कस्टमर के नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद जो भी बताने वाला हूँ आपको देखते रहिए। यहाँ पर आप देखते हैं इंटर ओटीपी आ रहा है, तो आपको यहाँ पर ओटीपी डाल देना है। डालने के बाद सिंपली आपको करना क्या, ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको करना क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद तो करना क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपको बताने वाला हूँ कि रिचार्ज वापस हुआ या नहीं हुआ, वो आपको कैसे देखना है वीडियो में। यहाँ पर आपको फिर से वहीं पर जाना है, तो व्यू रिवर्सल पर आना है। व्यू रिवर्सल आने पर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो जब हम ही रिचार्ज वापस कर रहे थे, देखते हैं वो हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 349 का रिचार्ज वापस हो गया सक्सेस, यहाँ पर लिख के।